ऐसा है कि विश्व महासभा वो क्या किया, कैसे मुकदमा कह दिया, हम लोग को तो जानकारी ही नहीं है इस विषय पर। ये तो ये सब है, ऐसे जैसे कि मेन जो पार्टी कहीं रहती है आ ऊपर से उड़े वाले जो जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है वो ऊपर से उड़ करके अपना भूमिका बनाते रहते हैं। तो इनको मुकदमे नहीं करना चाहिए था, इनको तो पक्ष कोई इनका है नहीं कुछ वहाँ पर। तो ये लोग मुकदमा कर दिए और कह दिया ये इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोगों के मांग है कि जल्द से जल्द सुनवाई करें। और का नाम है सुप्रीम कोर्ट के में नित्य प्रति सुनवाई के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ही ने एक बार आदेश दिया था कि नित्य प्रति सुनवाई होगा, तो कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सुप्रीमे कोर्ट काट करके अभी तक नहीं सुनवाई कर रहा है नित्य प्रति। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे और राष्ट्रपति के ज्ञापन देकर कहेंगे कि नित्य प्रति सुनवाई के नित्य मतलब आर्डर लगाया जाए और इस जज से न हमको सुनवाया जाए। कहें कि इन्होंने राम मंदिर के प्रति आस्था जाहिर किया है, यह केस के प्रति आस्था जाहिर किया है, इसलिए इनसे हमारा मुकदमा न सुनवाया जाए। आउट में और हम लोग दिल्ली में जा कर के संसद को भी मैं भी कहूँगा, संसद के सामने बैठ कर के कहूँगा, राष्ट्रपति के से भी कहूँगा कि हमारे से जल्दी सुनवाई किया जाए। अच्छा, यही आप भी वही बात कह रहे हैं कि जल्दी सुनवाई हो, तो वो भी यही कह रहे हैं, वह जो कह लेकिन रहे सुप्रीम थे कोर्ट का क्या आप क्या कहेंगे? तो गलत कह रहे हैं, जब हम उनका से देखें, हम कैसे नहीं देखवाना है, हमको नया बेंच बना करके नया सुनवाई कर। हिंदू महासभा, तो महासभा ही नहीं यार, हिंदू महासभा ऐसे कितने महासभा घूम रही है, हर व्यक्ति का मतलब है इसमें। हिंदू सभा किसी को प्रायोरिटी मत दीजिए, कोई ये कोई अपना सिरमौर नहीं बन जाएंगे। लेकिन रिट तो उसी ने दायर की है। रिट तो सबको, हम भाई हम कह रहे हैं तो हम नहीं कह वो है क्या, आपसे कह रहे हैं, आप ही एक चौथे स्तंभ हैं, हम आप ही के माध्यम से कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, रोज़ रोज़ वकीलों की इतनी फीस कहाँ देंगे हम, सब सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँच जाएगा, ये भी समझिए आप लोग। ये तो धर्म का ही का मामला चल रहा है, चाहे जो भी पक्षकार हो, देश भर में घूम घूम कर अपना गाना बजा रहा है, पैसा उगा रहा है, मंदिर बने चाहे मन न बने, इससे कोई मतलब नहीं है, न विश्व हिंदू परिषद से मतलब है, न हिंदू महासभा से मतलब है, क्योंकि न किसी की ज़मीन है, न सिंधी सेंट्रल बोर्ड से मतलब है, न निर्मोही अखाड़े से मतलब है, क्योंकि जब टाइटल का बात खड़ा हो गया तो जब किसी की ज़मीन ही नहीं है तो मंदिर बनने से क्या इनको मतलब है, क्यों मंदिर बनाएंगे इनको मंदिर में। हाँ, मामला है धर्मदास जी का, क्योंकि इनके गुरु ने मंदिर रखी, इनको कष्ट है कि हमको जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके गुरु को, उनके गुरु से रिसीवर ने प्राप्त किया है। लिखा पढ़ी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 49 में उनको अथराइज किया था कि पूजा पाठ करो आप, उनसे रिसीवर ने लिया है, तो हमको मिलना चाहिए, हमारा पूजा का हक जा रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है, और विश्व हिंदू परिषद और महासभा घूम रही है ऊपर नीचे, क्या मतलब, निर्मोही अखाड़ा घूम रहा है, सेंट्रल सुन्नी बोर्ड घूम रहा है, तो घूमने वाले तो बहुत घूम रहे हैं, वैसे या पूरा मीडिया भी घूम रहा है, लेकिन सही निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है, खाली बातों बातों में बात उलझ जा रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि सच्चाई देख करके, न्यायपालिका भी सच्चाई को समझ करके, आप लोग भी, आप लोग चौथे स्तंभ हो, आपकी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस है, कंक्लूजन पाइए कि वास्तविकता कहाँ है, कहाँ फैसला होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, और कौन इससे ज़्यादा प्रभावित है। वीरेंद्र चौबे, पूर्व न्यायाधीश, वर्तमान में मैं धर्मदास जी रिस्पॉन्डेंट नंबर 12 का एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।